अल्ताफ साहब, गवर्नर के स्टेटमेंट जहाँ हालांकि जब बात कहेंगे जम्मू कश्मीर बैंक में धांधली, उस पे आपका क्या कहना, पार्टी का क्या कहना, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी दोनों की कोलिशन सरकार ही थी, अब ये गवर्नर साहब की तरफ से सामने आया है, तो इस पे बीजेपी का क्या कहना पड़ेगा? देखिए, पहले ही हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो धांधलियाँ जेके बैंक में है उन पर गवर्नर साहब को इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और जहाँ तक पार्टी का स्टैंड, वो सेम वही है, सभी लोग जानते हैं क्या छुपा है। धांधलियाँ तो हुई है, हजारों की तादाद में पीडीपी ने वहाँ अपने वर्करों को किया है। अब जहाँ तक कोलेशन का है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो महबूबा जी बैठी थी, फाइनेंस मिनिस्टर उनका था। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहाँ इन्होंने धांधलियाँ की है, और धांधलियाँ इस हद तक की है कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट को भी पार करके मेरी नजर में अवंतीपुरम एक एस्टेट केस लगाया है, उसकी एज इस वक्त 42 है और उसको वहां लगाया है। और उसका बैकग्राउंड देखिए क्या, उसका बाप पीडीपी का जोनल प्रेसिडेंट है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, इसीलिए ये भी एक वजह थी कि जो बीजेपी ने पुल आउट किया है इन्हीं धांधलियों को देख के, क्योंकि एक मनमानी तरीके से हमेशा कॉलेशन में रहकर भी उन्होंने अपनी बात मनवाई है। जेके बैंक ही नहीं, और भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें धांधलियां हुई है, और धांधलियां बड़े पैमाने पर है। अगर गवर्नर साहब आज यहां एडमिनिस्ट्रेशन में एक साफ सुथरी छवि वाला इंसान है, उसकी तो क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। अगर वो एक यहां क्लियरेंस करना चाहता है, वो रियासत जम्मू कश्मीर को, जो इस वक्त देश में नंबर वन कॉरप्ट स्टेट है, उसको इस दलदल से निकालना चाहता है, तो और पार्टियों का एतराज क्यों होता है? क्योंकि ये तो वही नारा देते हैं ना हम, पीडीपी भी खुद कहती है कि गुड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस है तो एतराज क्यों और पार्टियों को गवर्नर के स्टेटमेंट में? गवर्नर साहब को चाहिए कि वो इसकी जड़ तक चाहिए। यहां खाली एम्प्लॉयमेंट हुई, वही धांधली नहीं है। आप देखिए लोन किस किस को इन्होंने दे दिया, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और भी बहुत बड़े स्कैंडल है। हमारी गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने लगाए हैं, इनका बैकग्राउंड देखिए, उनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो मेनस्ट्रीम को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, आपकी सरकार थी पीडीपी के साथ यहाँ पे, तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसमें? देखिए, बीजेपी का पीडीपी तो ब्लेम आप पे करती है, आप पीडीपी पे दिखाए ना, पीडीपी दिखाए ना हमारा कौन सा आदमी वहां लग गया, किसने एंगेज किया है? ड्राइविंग सीट पर तो पीडीपी बैठी थी, फाइनेंस मिनिस्टर पीडीपी का है। अगर हमारा किसी का नाम आता सामने, लाई पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया है कि बीजेपी का कोई नाम आता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन ये डंके की चोट पे है, दुनिया जानती है, सारा कश्मीर जानते हैं, यूथ में जो आज एलिनेशन है इसी वजह से, क्योंकि जो जेके बैंक है, जो उनका चेयरमैन है, वो एज पीआरओ पीडीपी का काम कर रहा था, उसने तो सबसे बड़ा यहां ये गंध फैलाई है। क्या आप पहले 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 गवर्नर साहब को चेयरमैन को ही बंद करना चाहिए, क्यों उसने इतने लगाए? ये भी कहा जाता है कि जो भी प्रवेश साहब है चेयरमैन, उनको जल्दी हटाया जाए, तो इनका काफी ज्यादा रोल रहा है ये सब करने में। देखिए, जल्दी हटाए नहीं, अब गवर्नर साहब को बहुत जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए, उनको हटाना नहीं, बल्कि धांधलियां जो हुई है वो सारी परवेज साहब के थ्रू ही हुई है, और परवेज साहब ने भी कोई काम नहीं किया, उसने भी बड़े लोग लगाए हैं। मैंने पहले कहा वो एक मखसूस पार्टी का पीआरओ बन के जेके बैंक चेयरमैन काम कर रहा था, उसको तो जेल में बंद करना चाहिए। उसने यहाँ के जो नौजवान है उनके हक में शब्द खून मारा है, उन्होंने इंसाफ भी किया। आज जो हालात यहाँ बेरोजगारी की वजह से, उसमें एक मेन कारण परवेज साहब भी है। एक और बात कहना चाहूँगा, कल हम बात कर रहे थे जेडीयू के चेयरमैन शाहीन साहब से, तो उनसे हमने ये सवाल कहा किया था कि वो मिल रहे हैं, हर एक मिल रहा है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये वो गवर्नर है, इनसे अगर कोई भी फ़ोन पे बात करता तो दूसरे दिन अपॉइंटमेंट मिल जाता है, ये पहली बार हुआ है इसी रियासत में या किसी जगह ऐसे गवर्नर को हम कोई भी मिल सकता है, तो गवर्नर रूल ही बेटर रहेगा कि कोई पार्टी सामने ना आए, कि उसमें आप क्या कहेंगे, क्या गवर्नर रूल ही अभी तक ये ठीक रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, हर हाल में एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी अच्छा रहता है, चुनी हुई गवर्नमेंट सबसे बेटर रहती है। अब शाहीन साहब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शाहीन साहब का कोई आधार नहीं है, उनका कोई वार्ड मेंबर तक नहीं, वो तो यही चाहेंगे। लेकिन हर हाल में एक चुनी हुई लोगों की गवर्नमेंट ही सबसे बेटर रहती है, सबसे अच्छी रहती है। एक और सवाल कहना चाहूंगा सर, आपने पार्टिसिपेट किया म्यूनसिपल इलेक्शंस में, काफ़ी विनिंग कैंडिडेट्स, आपका रिजल्ट अच्छा रहा। अब पंचायत इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा, हाँ फिलहाल हम पंचायत इलेक्शंस की बात करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने जो जीतने के बावजूद चले गए पार्टी छोड़ के। देखिए, हमारा कोई मेंबर नहीं चला गया है, चाहे उनको जेडीयू ने 5-5 लाख की चाक देगी फिर वो बाउंस ही क्यों ना हुई, लेकिन हमारा कोई मेंबर नहीं चला गया। जो हमने परफॉर्मेंस यूबीएल इलेक्शन में दी, सेटिस्फैक्ट्री है। अनंतनाग में हमारी 8 कमेटियां अब तक बन चुकी हैं, साउथ में
नॉर्थ में भी हमारी दो तीन बनी है और सेंटर में भी दो तीन बनी है, हम सेटिस्फाई है और हमारी यही कोशिश रहेगी। और हम ये अभी भी कह रहे हैं कि जो आने वाला पंचायत इलेक्शन है उसमें पार्टी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देगी, उससे ज्यादा सीटें। आखिरी सवाल, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट कश्मीर में कि एक हिंदू रूलर में हिंदूज और जो सिख थे वो सेफ है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, योगी आदित्यनाथ हमारे आदरणीय हैं, वो देश की सबसे बड़ी स्टेट के सीएम हैं। उन्होंने किन हालात में किया वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, चाहे यहाँ मुस्लिम रूलर हो चाहे यहाँ हिंदी रूलर, जब भी आया हो, कश्मीर एक वो स्टेट है जहाँ हमेशा भाईचारा और अमन का गहवारा, यहाँ जितनी भी चाहे पंडित कम्युनिटी सिख हो मुसलमान हो, हमेशा यहाँ भाईचारा रहा है और आगे भी वही बात पाई जा रहा है। नहीं, उनके उनके स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आप कश्मीर में हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर में, कश्मीर के हालात आपको पता है, क्या वाकई में उनको मतलब उनके उनके स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने यही कहा कि योगी जी ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक कश्मीरी होने के नाते मैं यही कहता हूँ कि कश्मीर हमेशा अमन और भाईचारे का गहवारा रहा है और अल्लाह से उम्मीद है आगे भी। थैंक यू सर।